मैं डॉक्टर श्याम सिराना भारतीय बाल चिकित्सा परिषद रांची ब्रांच का अध्यक्ष हूं और रांची आईएमए का सेक्रेटरी रह चुका हूं। पहली बात है कि मेरा डॉक्टर होने के नाते इंसान और बच्चों से इलाज से मतलब है, इंसानियत से मतलब है, किसी धर्म जात और संप्रदाय से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई विद्वेष नहीं है। हमारा काम सिर्फ जान बचाना है, उसके बदले में हमें कुछ भरण पूरण पोषण के लिए कुछ मिलता है, चाहे वो प्राइवेट में मिलता है, चाहे नौकरी करने पर मिलता है, हमारा यही एक प्रोफेशन है। अब इस धंधे में कोई भी डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहेगा, पहली बात है, चाहे कितना भी खराब डॉक्टर होगा वो किसी को मारना नहीं चाहेगा जानबूझ के या किसी कारण से भी। तो जहां तक मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने अपनी पीड़ा इसमें व्यक्त की है, हो सकता है बहुत लोग जगह पर इनकी बात, हो सकता है क्या हुई है, इनकी बात को समझा नहीं गया और प्रशासन को अपने को ऊपर दिखाना पड़ता है, कभी झुकना नहीं चाहता है, अपने आप को नीचे दिखाए प्रशासन क्या है। तो हो सकता है इस तरह की बातें हुई हो, इनके लिए इनके साथ मेरी पूरी संवेदना है और मैं चाहता हूं कि इनकी जो सही बातें हैं जनता तक जाएं, ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, किताब अपनी ला रहे हैं, किताब का बहुत अच्छा विमोचन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं ये अपनी बातों को जग में रखें और बहुत पारदर्शी तरीके से रखें और किसी भी अन्य किसी फोकल लोकल या लेटरलाइज वे में नहीं, न्यूट्रल वे में जाके पब्लिक के बीच में जाए। डॉक्टर किसी जात का नहीं है, पहली बात है, इंसान के लिए डॉक्टर है, इसलिए ये पब्लिक के बीच में है, पब्लिक की बात करेंगे और जहां तक हो सके हम सब इनके साथ हैं और इनके जहां भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर समुदाय इनके साथ है और हम लोग भी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये बुक न सिर्फ मेरे बारे में है, 79 परिवारों के बारे में है जो उस रात अपने परिवार को, बच्चों को, अपने चाहे मतलब परिवार के सदस्य को मरते हुए अपने सामने देखा था। उनकी कहानी किसी ने कोई नहीं बोलता है, मेरी कहानी तो लोग बिट और पीसेस में बिखरी बिखरी आपको मिल जाएगी लेकिन उनकी स्टोरी कोई नहीं आता है, तो मैंने उनकी कहानी इसमें रखने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मीडिया का रोल है, जैसे कई बार हो गया है कि सोशल मीडिया से ही जो है न्यूज उठा के मेन मीडिया स्टूडियो में पहुंच जाती है, मुझे सुपरिटेंडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, वो सिर्फ सोशल मीडिया से उठाया गया था, उसको दर्शाने की कोशिश की है। जुडिशरी के रोल की बात की है कि किस तरह से जुडिशरी में न्याय जो है डिले होता जा रहा है। आज ये हकीकत है कि इंडिया में 4.5 करोड़ जो है केस पेंडिंग है और तारीख पे तारीख ही मिलती है। पॉलिटिशियंस क्या रोल की बात की है कि किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए प्यादा और बागी का बकरा खोजा जाता है। जेल के करप्शन की बात की है, मैंने 6-7 चैप्टर जेल के में लिखे हैं। आपको बता दूं, मैं जिस गोरखपुर जेल में था उसकी कैपेसिटी 800 लोगों की थी और 2000 कैदी रहते थे और जिस बैरक में मैं था उसमें 60 लोग रह सकते थे लेकिन 200 लोग रहते थे और एक टॉयलेट था, और लेकिन बगल के बैरक में उतना ही बड़ा था, वहां पे एक मंत्री जी रहते हैं, वो अलग दुनिया है पूरी, तो उसके बारे में लिखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने हेल्थ सिस्टम के बारे में लिखा है। मेरा अपना मानना है कि COVID-19 की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं टूटा है। असली में सच बात यह है कि हमारा हेल्थ सिस्टम पहले से टूटा हुआ था। डॉक्टर कफी, जैसा हम जानते हैं आपने खुद कहा कि और भी डॉक्टर्स थे, तो आपको क्या लगता है आप ही को टारगेट क्यों किया गया होगा, ऐसे केवल आप ही? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि जो मीडिया ने 2 दिन तक मुझे हीरो और मसीहा बनाया, वो जो लोगों, जो लोकल मीडिया थी, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं वैसे ही जो लोकल मीडिया थी वो उस रात पहुंच गई थी और उसने मुझे काम करते हुए देखा था और उसने एक स्टोरी चलाई जो कि ये इन्होंने जान बचाई है, और वो शायद जो है योगी जी को बुरा लगा कि ठीक है इंसिडेंट हुआ, बहुत इंसिडेंट होते हैं। आपको सही बात बताऊं तो BID मेडिकल कॉलेज में जिस साल 70 बच्चों की मौत हुई थी, पूरे भारत में 8,20,000 बच्चे मरे थे, यानी हर घंटे 100 बच्चों की मौत भारत में, तो ये रियलिटी है, तो वो आके सामने आपके नहीं आ पाती है, वो चीज सामने आ गई थी और उनको वो बुरा लगा। लेकिन अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो गया, कहा ना कि मैं अगर डॉक्टर कपिल मिश्रा होता तब भी वो योगी जी वही करते, चाहे वो हिंदू होता, मुस्लिम होता, सिख होता, ईसाई होता,
लेकिन जब खान नाम आ जाता है तो स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। सीमा सुरक्षा बल जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास है, उनके डीजीपी ने हम लोगों को ट्रक भी अरेंज करवाए थे और सोल्जर्स भी दिए थे, और वो 500 सिलेंडर्स खुद इनके आरटीआई में ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर कफील ने उपलब्ध कराया, या ये आपके डीजीएमई के इंक्वायरी या रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 500 सिलेंडर लाए गए थे, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने जो है, ये अच्छा सवाल है, हर जगह जा रहा हूं, मैंने 17 दिसंबर को ये बुक लॉन्च की है, और आज इसके बाद मैंने जयपुर में लॉन्च की, 2 तारीख को कोलकाता में, और कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रैल मई में साइन किया हुआ है, तो 8 महीने लगे। बुक जो आप लिखते होगे तो उसमें आपको पता होगा साल लग जाते हैं लिखने में, तो ये पब्लिश हुई है दिसंबर में। अब मुझे तो लगता है आपको योगी जी से ये जरूर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि योगी जी, आपने जो है चुनाव से पहले डॉक्टर कफील को नौकरी से क्यों निकाला, 8 में से 7 लोगों को नौकरी दे दी। भाई को गोली मारी गई, आपके घुमासर के कहने से लगा दिया जाता है आपको जेल में, क्या एक मुसलमान होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको टारगेट किया? नहीं, मैं तो आपको वही कह रहा हूँ ना, आपको मैं तो कह रहा हूँ कि वो कोई भी होता तो जो योगी आदित्यनाथ तो वही करते। कफील जी, अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं फिर दूसरा दूं, तो वो वही करते, लेकिन यही बात होती है कि स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। और आपको ये टर्मिनेशन आर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो टर्मिनेशन आर्डर जो है, मुझे अभी टर्मिनेट किया गया है सिर्फ चुनाव से 2 महीना पहले, वो खुद जो है उसको क्या कहते हैं, दुखती रख को बार बार छूते हैं, मुद्दे को बार बार उठाते हैं, शायद जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए, जो उनका उनको सिखाया गया है उस पे वो बार बार काम करने की कोशिश करते हैं। ये इनके चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि 8 अगस्त 2016 के बाद आरोपी अधिकारी के प्राइवेट प्रैक्टिस के कोई सबूत नहीं मिले हैं, और कब मिले हैं, 2014 में, और कब मैंने ज्वाइन किया है, 8 अगस्त 2016 में, तो 2014 में मैं क्या करता था, उससे उनको क्या मतलब होना चाहिए, मैं उनका एम्प्लॉई नहीं था। आरोप मुझ पे लगाया गया था कि मैं प्रिंसिपल के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता था, मेरी लापरवाही की वजह से बच्चे मरे हैं, और जो है मैंने जो है ऑक्सीजन का मैं इंचार्ज था, और ये देखिए ये टर्मिनेशन आर्डर, और इसके अलावा भी 8 इंक्वायरी हो चुकी है। क्या लिखा है, सबसे जूनियर डॉक्टर था, 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, मैंने 1:12 से 26 लोगों को फोन किया है, कॉल डिटेल फोन नंबर के साथ लिखी है, ये लिखा है कि हैविंग कंसीडर्ड द सबमिशन एडवांस नोट दैट देयर इज नो मटेरियल रिकॉर्ड व्हिच मे एस्टैब्लिश मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट। मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी फाइनल देखिए क्या लिखते हैं कि इनको नौकरी से इसलिए निकाला जाता है कि वो 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। नहीं, मैं झारखंड के रांची में सिर्फ उजागर नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं पूरे इंडिया में उजागर कर रहा हूँ। हर आदमी को पता होना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम आपका कितना टूटा हुआ है। ये हेल्थ फॉर ऑल ये हमने 2019 में लॉन्च किया था, और अगर आप इसके दस्तावेज जो है, ये मैंने वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ और UN से लिए हैं, और आपको देखिएगा 8,80,000 बच्चे 2019 में मर गए, 16 लाख बच्चों लोगों की पोल्यूशन से मौतें हो गई, 4.5 लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। आपके झारखंड की बात कर लीजिए, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। ये झारखंड का भी एक 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 मैंने ये देखिएगा, कहते हैं एक डॉक्टर जो है 1,000 पेशेंट को देख सकता है, रेशियो होना चाहिए। आपका देखिए दिल्ली का क्या रेशियो है, 300, और आपके झारखंड का क्या रेशियो, 8,000, और झारखंड कॉलेज 200 किलोमीटर दूर होता है,
आधे लोग रास्ते में मर जाते हैं और जो आधे पहुंच पाते हैं वो बेड के लिए ऑक्सीजन के लिए रोज तरसते हैं। तो जो हम झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं। 81% जो अभी आए डॉक्टर की बात कर रहे थे, एक मिनट मुझे खत्म हो जाए जी, ये जो डॉक्टर की बात कर रहे थे, 81% डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। 81% जो प्राइवेट सेक्टर का जो टर्नओवर है $372 बिलियन है। $372 बिलियन समझते हैं, 30 लाख करोड़ रुपए। मतलब हमारे आपको गल्फ कंट्री से लोग आके दिल्ली और बॉम्बे और कोलकाता में इलाज करा रहे हैं, लेकिन हमारा ही है जो भारतीय है जिसको आजादी के लिए जिनसे जंग की थी उसको इलाज नहीं मिलता है। जो सबसे ज्यादा आदिवासी एरिया है वहां पे कोई भी इलाज की कोई सुविधा नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। जहां तक हो सके हम सब इनके साथ हैं, इनके जहां भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर समुदाय इनके साथ है और हम लोग भी हैं। धन्यवाद।